यूपीएससी के आर्टिकल से पूछा था, 323 आर्टिकल याद है, कुछ पंचवर्षीय योजना वाला आया हुआ था क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है हरमित, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। जैसे कि जानते हैं आज है 24 जुलाई, SSC CGL टीयर 1 का एग्जाम चल रहा है, अभी बच्चे छूटने वाले हैं। मात्र 1 से 2 मिनट में हम जानेंगे आज का पेपर का लेवल क्या रहा, कैसा पैटर्न रहा। कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा गया। कुल कितने अटेम्प्ट किए ओवरऑल आप? 90 क्वेश्चंस। पेपर का लेवल क्या बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट? क्या इजी टू मॉडरेट था? मैथमेटिक्स आपने अटेम्प्ट किया है? 90 क्वेश्चंस। बहुत आपका अच्छा अटेम्प्ट रहा है। मैथ्स मतलब नॉर्मल था, रीजनिंग थोड़ी बहुत, मतलब क्वेश्चंस जो थे कोडिंग डिकोडिंग के और वो सब थोड़े से दिमाग वाले थे, और बाकी जीके भी ठीक थी। मतलब पेपर ओवरऑल बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, मॉडरेट था। आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा, पहला अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट? तीसरा था। काफ़ी आपको अनुभव रहा अटेम्प्ट का, कि हम जानना चाहें कुछ क्वेश्चन आपको याद है, कुछ बताएंगे जीके जीएस में? मतलब मैथ्स में तो क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे, मतलब स्फीयर का रेडियस दे दिया था, एरिया पूछा था, वॉल्यूम पूछा था, और यही वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट से था, नॉर्मली मतलब फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन थे। और के जीएस में बात कर लेते हैं, किस टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन देखने मिला, पॉलिटिक्स को आपको याद है क्वेश्चन क्या आए थे? जीएस से यूपीएससी के आर्टिकल से पूछा था, 323 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, और नीति निदेशक तत्व पूछा हुआ था कि कहाँ से लिया गया है, और करंट अफेयर में पूछा था मतलब रोवर्स कप वगैरह कौन जीता है अभी फ़िलहाल में, और ये सत्रिया नृत्य का पूछा था कि कौन सा डांस कहाँ से रिलेटेड है, और जैसे ये सब क्वेश्चन थे जयशंकर, मतलब ये सरोद वगैरह से कि कौन क्या बजाते हैं उनमें पूछा था, मतलब नॉर्मल ही था। और कहीं स्टेट का डांस वगैरह नृत्य? हाँ नृत्य वगैरह, वही एक सत्रिय नृत्य पूछा था, और एक परासर समथिंग छत्तीसगढ़ से है। कोई सीएम पीएम कोई राजधानी कोई क्वेश्चन देखने को मिला? नहीं, ये सब नहीं। और किसी का आपने किसी नियुक्तियाँ से क्वेश्चन, एम्पावरमेंट नियुक्तियाँ से क्वेश्चन किसी का? नहीं, नियुक्ति से भी नहीं था, बायो से था सर, वो सेल मेम्ब्रेन से, सेल से क्वेश्चन पूछा हुआ था, सेल मेम्ब्रेन से, बस यही सब। केमिस्ट्री कोई क्वेश्चन देखने को मिला? बायो के ही थे 2 क्वेश्चंस, सेल कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था थोड़ा सा, उसी पे वर्क के क्वेश्चन थे, रीजनिंग बताइए आप, और वो जो मैथमेटिकल वैल्यू आ रही है कि लाइक 2, 6, 10 और 3, 8, 9, उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं लोग, कैलकुलेटिव था काफ़ी, तो मतलब टाइम टेकिंग उसी पे, अगर आगे अगर शिफ्ट है तो उसी पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे। डायग्राम से क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन नहीं था, डायग्राम से वो प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन। काउंटिंग फिगर वाले क्वेश्चन? नहीं, काउंटिंग वगैरह नहीं, आपका ये सिलॉग्स से क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चन सिलॉग्स थे। और मैम जैसे कि डायरेक्ट से क्वेश्चन कोई आया, डायरेक्ट ही कोई से, मतलब इंडोमी सिनोमी से? सिनोनिम्स ज़्यादा था, 5 सिनोनिम्स थे, और पैसिव इजी था, लेंदी है लेकिन इजी है, और पैसिव था, सिनोनिम्स था, स्पेलिंग करेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बाकी इजी था पेपर। अच्छा, जैसे कि किसी जैसे हाई पेपर अभी क्या देना चाहते हैं मैसेज, आपको काफ़ी अनुभव रहा, तीसरा अटेम्प्ट रहा आपका, क्या मैसेज है, कहाँ से पढ़ के आए, क्या देख के आए थोड़ा सा? कुछ नहीं, अगर मॉक दिए हैं प्रॉपर तो बेस्ट है, और अभी पढ़ना हो तो वही सब जैसे रोवर कप वगैरह पढ़ लेगी, किस में कौन से फील्ड में, बैडमिंटन और क्रिकेट में क्या है, डांस वगैरह देख ले, और अभी रिसेंट में नॉर्मल क्वेश्चन ही, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं, और हिस्ट्री वगैरह से कुछ खास क्वेश्चंस नहीं थे, पॉलिटी में आर्टिकल आप देख सकते हैं अगर बहुत ही देखना है तो, अदरवाइज आप मॉक दिए हैं तो आपका पेपर अच्छा होगा। आपने मॉक टेस्ट कहीं दिया था मैम? हाँ, मॉक मैंने ज़्यादा दिया था, मेरा लास्ट मेंस दिया था, उसमें मेरा कंप्यूटर में मैं बाहर हो गई थी मेंस। अच्छा, कहाँ से मॉक टेस्ट दिए थे आप? टेक्स्ट बुक से। अच्छा, वहाँ पर टाइम के लिए सफिशेंट पड़ा कि यहाँ कम पड़ेगा, क्या लगा टाइम का लेगा? नहीं, टाइम तो ठीक था, मतलब टाइम मैनेजमेंट, रीजनिंग की वजह से मेरा 15 मिनट रीजनिंग पे ज़्यादा, 16 मिनट चला गया, अदरवाइज 10-12 मिनट जाते हैं, तो यही था बस लेंदी की वजह से, बाकी अगर आप टेक्स्ट बुक पे दे रहे हैं प्रॉपर मॉक्स तो बेटर है, उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। बस और कुछ मोटिवेशन का कुछ लाइन कुछ बोलना चाहिए हमारे व्यूअर को? कुछ मोटिवेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा गया आपका एग्जाम? बहुत अच्छा नहीं हुआ, ठीक ही था। कुल कितने अटेम्प्ट किए ओवरऑल? 68। पेपर का लेवल क्या लगा? ठीक था, बहुत हार्ड नहीं था। कौन सा अटेम्प्ट आपका है? मैं दूसरा है। दूसरा? टाइम सफिशिएंट पड़ गया, टाइम कम पड़ गया? टाइम कम पड़ गया। टाइम पर कम पड़ गया। आपने मॉक टेस्ट कहीं दिए थे? नहीं, मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। आप क्या क्वेश्चन? प्रैक्टिस सेट लगाया था। प्रैक्टिस सेट लगाए थे आप?
जैसे वहाँ प्रैक्टिस लगा रहे थे, कितने क्वेश्चन वहाँ पे कर पा रहे थे, यहाँ कितने किए आप? वहाँ पे तो वैसे कर रहे थे तो 75-76 ऐसे जा रहा था, ऑनलाइन मैंने नहीं दिया था किसी। अच्छा, ऑफलाइन ही दे रहे थे जी। कुछ क्वेश्चन आपको याद है जी के जीएस में, क्या क्वेश्चन आए थे? कुछ खास नहीं याद है, कुछ पंचवर्षीय योजना वाला आया हुआ था क्वेश्चन, जवाहर वाला क्वेश्चन आया हुआ था, और कुछ क्वेश्चन थे लेकिन ध्यान नहीं है अभी। पूरा ध्यान नहीं है। कहाँ से आए हैं? मिर्ज़ापुर। क्या नाम है? शत्रुंजय। के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे पेपर के बारे में, तो हम भैया क्या कहना चाहेंगे? अब SSC का एग्जाम कराने वाली टीचर संस्था से हमारा निवेदन है कि वो बच्चों के बैठने के लिए वेटिंग रूम की व्यवस्था करें, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, धूप भी बहुत हो रही है, इसीलिए वेटिंग रूम की व्यवस्था की जाए। भैया देखिए, बहुत अच्छा रहा कहना इनका जो मांग रहे हैं, कि बाकी जहाँ पे एग्ज़ाम जो देने आते हैं स्टूडेंट, मतलब घंटे पर 2 घंटे, मतलब जैसे यहाँ पे मतलब आ जाते हैं पहले ही, उनको बैठने थोड़ा सा व्यवस्था की जाए हर सेंटर पे।